नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 360 राइड यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी बाइक की चाबी खो जाती है तो आप अपनी बाइक को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आपको बाइक चोरी करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाइक ये सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी बाइक में कभी रास्ते में आप जा रहे हैं, कहीं बाइक गिर चाबी गिर गई है आपकी, या फिर आपके घर में खो गई है, तो उस केस में आपकी बाइक को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये बाइक मेरे पास यहाँ पे की है, मैंने अपनी की निकाल ली है बाइक की। उसके बाद हमें सबसे पहले वाइजर के पास आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक की स्विच लाइन है। इस की स्विच लाइन यहाँ पे हमारे पास एक की स्विच लाइन है। अगर आपको एक की स्विच लाइन निकालने में दिक्कत हो सकती है, हो रही है, तो आप वाइजर को भी खोल सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। आपको यहाँ पे साइड में स्क्रू दिख रहा होगा, इस स्क्रू को बस आप खोलेंगे दोनों साइड से और आपका वाइजर खुल जाएगा और आप आसानी से इस की स्विच लाइन को निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस की स्विच लाइन में से जो मेल और फीमेल जो स्विच है मेरे, उन दोनों को अलग कर देना है। ये दोनों मैंने अलग कर दिए। और अगर आपकी बाइक में सेल्फ स्टार्ट है तो हमें जो इस फीमेल जो स्विच है हमारा, इस फीमेल स्विच में सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप सर्किट कंप्लीट करने के लिए पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास वायर पिन नहीं है, वायर का है तो वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बाइक है वो स्टार्ट हो गई है। और अगर आपको बाइक को बंद करना है तो ये बाइक अब सिर्फ गियर में बंद होगी। इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको डेली लाइफ में आपकी बाइक में छोटी मोटी क्या क्या दिक्कतें आती रहती हैं, ताकि अगली वीडियोस में हम आपका उनका समाधान आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।